this record as frequently. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। फाइनली आज मॉर्निंग में 6 बजे अपने घर, अपने गांव, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हिमाचल पहुंच गया था। मेरा अब की बार घर आना अकेला ही हुआ, मैं अकेला ही दिल्ली से घर आया हूं। और मेरी कोशिश रहेगी कि कुछ चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से अपने घर की, अपने गाँव की, अपने इलाके की आपके साथ शेयर कर पाऊँ। मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो भी आपको पुराने वीडियो की तरह पसंद आएगा। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ की जो आबो हवा है वो लाइफ हम शायद दिल्ली जैसे शहर में नहीं जी पाते। शहर में रहने की हमारी कुछ अपनी मजबूरियां हैं, कुछ सोर्स ऑफ इनकम की चीज़ें जो हमने मेहनत कश करके शहरों में जनरेट कर ली हैं, उन्हें हम चाहकर भी नहीं छोड़ सकते। लेकिन हम अपनी लाइफ नहीं जी रहे। लाइफ जीने का असली मज़ा तो यही है। जिस किसी भी व्यक्ति का अपना गांव है, अपना गांव देहात है, गांव में परिवार है, माँ बाप हैं, फैमिली के अदर मेंबर्स हैं, वो एक उम्मीद के साथ शहरों से घर जाता है, इस चीज़ को रियलाइज़ करता है। और मैं खासकर इस चीज़ को ज़रूर रियलाइज़ करता हूँ। मैंने कुछ अपनी ऐसी मजबूरियां जनरेट कर ली हैं, बच्चों को लेके, बच्चों की पढ़ाई को लेके, सोर्स ऑफ इनकम को लेके, लेकिन मन नहीं करता इस माहौल को छोड़ने का, इस जगह को छोड़ने का। बचपन यहाँ पे गुजारा, तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको पसंद आए। इस वीडियो के माध्यम से दिल्ली से चलकर यहाँ घर पहुँचने तक की कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और अभी मैं अपने घर की बैक साइड में एक पहाड़ी के ऊपर बैठा हूँ। यहाँ से मैं आपको अपने इस इलाके का, जहाँ हमने अपना बचपन गुजारा, उसके कुछ वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए, दिल्ली से मैं अपने सफ़र की शुरुआत आप लोगों के साथ करता हूँ। मुझे एकाएक ही अब की बार घर जाना पड़ा, इसी चलते जल्दबाजी में मुझे HRTC की बस की बुकिंग करवानी थी। और मैंने रूट नंबर 540 जो दिल्ली से ISBT कश्मीरी गेट से चलकर हमीरपुर डिपो द्वारा ऑपरेट होने वाली बस है, जिसका रूट दिल्ली अवा देवी है। ये बस हमें लगभग पिछले 20 से 22 सालों से लगभग हमें सर्विस प्रोवाइड करवा रही है। और हमारे एरिया के मैक्सिमम लोग इस बस को यूज़ करते हैं। मैंने इसकी ऑनलाइन ही बुकिंग करवाई और लगभग 7 बजे ISBT से ये बस चली और 7:30 बजे मैंने इसे मुकरवा चौक दिल्ली बाईपास से पिकअप किया। तो सीट मेरी ऑलरेडी बुक थी और मेरी कोशिश भी थी कि मैं साथ साथ में वीडियो भी शूट करूं, लेकिन रास्ते में सिंधु बॉर्डर तक जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा फ्लाईओवर्स का काम चल रहा है, उस करके हमें काफ़ी हद तक जाम देखने को मिला और जाम के चलते ही मैं प्रॉपर वीडियो शूट नहीं कर पाया। तो लगभग 1.5 घंटा इस जाम के चलते हमारी बस भी लेट हुई। और अब आप जो देख पा रहे हैं, ये हम हरियाणा में नीलोखेड़ी स्टेशन पर खड़े हैं, जहाँ पर बस का स्टाफ खाना खाने के लिए रुका है और सवारियाँ भी वन यहाँ पे खाना खाती हैं। स्नैक्स, चाय वगैरह आप यहाँ पे प्रॉपर ले पाते हैं, काफ़ी किफ़ायती रेट पर आपको यहाँ पे ये चीज़ें अरेंज की जाती हैं यहाँ के ऑपरेटर्स के द्वारा।
इससे पहले शायद कई बार दिक्कत हुआ करती थी कि ये लोग लगभग सवारियों से या जो भी बस में पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं उनसे अनाप शनाप रेट लेते थे, लेकिन पीछे HRTC ने, हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने, कुछ ऐसे पर्टिकुलर ढाबे या ऐसे पॉइंट फिक्स किए थे, उनसे एक रेट लिस्ट सूटेबल रेट पे किफ़ायती रेटों पर टाइप हुआ है, और इसी रेट पर अब ये जो भी ऑपरेटर्स हैं जो खाना वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं वो काफ़ी किफ़ायती रेट पर पैसेंजर्स को खाना देते हैं। मैं आपके साथ HRTC के बारे में भी कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। HRTC को हम हिमाचल की लाइफलाइन के नाम से जानते हैं, हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन हिमाचल और हिमाचल के साथ लगती नेबर स्टेट्स के लिए बस सर्विस हमें प्रोवाइड करवाता है। नेबर स्टेट्स में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, राजस्थान जैसी स्टेटें शामिल हैं। लगभग हर बड़े शहर के लिए आपको HRTC की बस की सर्विस मिल जाएगी। HRTC की 5 टाइप की अलग अलग बसेज हैं, जिनमें वोल्वो, डीलक्स, सेमी डीलक्स, ऑर्डिनरी इत्यादि शामिल हैं, और आप इनकी ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। HRTC की स्थापना 1958 में पंजाब, हिमाचल और रेलवे के एक जॉइंट वेंचर के रूप में हुई थी। उस वक्त इसे मंडी कुल्लू सड़क परिवहन निगम का नाम दिया गया। बाद में इसे HP गवर्नमेंट में शामिल कर दिया गया और इसका एक नया नाम उभर कर आया। 2 अक्टूबर 1974 को इसे हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का नाम दिया गया। HRTC हिमाचल को चंडीगढ़, दिल्ली और हरिद्वार से जोड़ने वाली नियमित बस सेवाओं का संचालन करती है। इसके साथ साथ HRTC दुनिया की कुछ सबसे ऊंची मोटरेबल सड़कों पर बसों का संचालन भी करती है। इन मार्गों पर दिल्ली लेह, शिमला काजा, कुल्लू काजा, मनाली रकांगपियो इत्यादि कई रूट शामिल हैं। तो चलिए दोबारा से मैं आपको अपने घर के आसपास के माहौल की तरफ ही लेकर चलता हूँ। अक्टूबर मंथ के आसपास में एक्चुअली मोस्टली बरसातों में जो ये हल्की पहाड़ी है इसके ऊपर घास उगती है बरसात के दिनों में, और अक्टूबर नवंबर के आसपास में लोग इस घास की कटाई करते हैं। इस घास को सुखाकर पूरे विंटर सीज़न में अगले सीज़न की फ्रेश घास आने तक पशुओं को इस घास को खिलाया जाता है। लेकिन अब लोगों ने मोस्टली ये काम कम कर दिया है, काश्त कम कर दी है, लोग आरामपस्त ज़्यादा हो गए हैं। और यदि आप देख पा रहे हों तो मैं थोड़ा इसको जूम करूं, ये हमारा गांव है, घर हमारा थोड़ा गांव से बाहर है, तो आप देखें और मैं थोड़ा आपको आगे ले जाकर दिखाने की कोशिश करूंगा। दूर दूर तक अगर आप देखेंगे तो आपको चील के पेड़ ही नजर आएंगे। ये लाइफ हम शहरों में नहीं जी सकते। लेकिन जैसा कि मैंने आपके साथ ऑलरेडी पहले ही शेयर किया कि हम लोगों की कुछ ऐसी मजबूरियां हैं, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि वो लोग खुशनसीब हैं जिन्होंने अपनी गुजर बसर के कुछ साधन यहाँ गांव देहात में ही जनरेट कर लिए हैं। शहरों में पैसा ज़रूर है, पैसे की कमी इवन अब यहाँ भी नहीं है, पर ये लोग अपनी ज़िंदगी, अपना लाइफ भरपूर जीते हैं। अब मैं अपने बाबूजी की बात करूं तो मेरे फादर वोल्टास लिमिटेड के एक एम्प्लॉई थे और 1991 में उन्होंने BRS ले ली थी, अप्रॉक्सीमेट 93 के आसपास वे हिमाचल आ गए, और मैं भी पहले दिल्ली ही पढ़ता था, उसके बाद मुझे भी पेरेंट्स के साथ घर ही आना पड़ा। तो 6 से लेकर कॉलेज लाइफ का जो भी मेरा शेड्यूल रहा वो इसी इलाके में रहा। 2005 में मैं फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ चला गया और 2000
7 के आसपास फिर मैं दिल्ली चला गया, क्योंकि फादर के द्वारा जो भी प्रॉपर्टी जनरेट की गई थी वो दिल्ली में ही थी। लगभग 40 साल मेरे फादर दिल्ली रहे। लेकिन ये तो है कि दिल्ली का माहौल और गांव घर के माहौल में दिन रात का फ़र्क है। यहाँ की आबो हवा अलग ही है। वहाँ तो छोटे छोटे कमरों में, छोटे छोटे मकानों में, या यूँ कहें कि कबूतर खाने में हम लोग कैद हो जाते हैं। मॉर्निंग आया तो थोड़ा मौसम ठंडा था, धूप खिली हुई है, दिल्ली के मुकाबले ज़्यादा धूप है। आप मॉर्निंग की धूप का तो एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त आप खुले में आंगन में नहीं बैठ सकते। आपको छाया की ज़रूरत महसूस होगी होगी। ये मेरी बैक साइड में स्पॉट सी जगह है। बचपन में हम इस एरिया में क्रिकेट खेला करते थे। वो पुरानी यादें इन चीज़ों को देखकर इस जगह पे आके दोबारा ताज़ा हो जाती हैं। ऊपर एक लिंक रोड है जो बिजट से घोड़ी दबेरी बैठी के लिए जाता है। तो चलिए धीरे धीरे, जैसे मुझे मौका लगेगा, मैं वीडियो शूट करके इस वीडियो के माध्यम से आपको भी इस टच के साथ जोड़ने का प्रयास करूंगा। तो अब मैं अपने फादर के साथ अपने गांव की तरफ जा रहा हूं। मेरे फादर जो कि अप्रॉक्सीमेट 90-91 ईयर्स ओल्ड हैं, इनका बर्थ 1932 में हुआ था और लगभग 91 साल की इनकी एज है, लेकिन भगवान की दया से अभी भी तंदुरुस्त हैं, चलते फिरते हैं। मेरी माता जी का देहांत स्वर्गवास इसी साल जनवरी मंथ में हुआ था। तो चलो, वो तो हमें छोड़कर भगवान के पास चले गए, उनका आशीर्वाद हमें सदा मिलता रहे। ये हमारे गांव को जाते हुए रास्ते का एक व्यू है। खेतों में गेहूं की बिजाई की जा चुकी है, लेकिन प्रॉपर बारिश ना होने के चलते अभी सही तरीके से गेहूं बाहर निकल कर नहीं आई। और ये हमारे ही रिलेटिव जिनसे बाबूजी मिलने गए थे, काफ़ी हंसमुख स्वभाव के हैं, और मैंने कोशिश की कि इनका भी एक वीडियो शूट किया जाए, क्योंकि ये एक याद के तौर पर हमेशा हमेशा के लिए हमारे पास रहेगा। और लगभग एक घंटा वहाँ स्टे करने के बाद मैं पुनः अपने घर की तरफ बाबूजी के साथ फिर वापसी चलते हुए, और ये आप देख पा रहे हैं हमारे साथ में आम का एक बगीचा। बचपन में हम इन्हीं बगीचों से स्कूल से जब वापसी आया करते थे तो अक्सर कच्चे आम होते थे और नमक इत्यादि यूज़ करके यहाँ से आम चुरा कर खाया करते थे। इस वक्त आप मेरे घर के सामने का ये फ्रंट व्यू देख पा रहे हैं, काफ़ी मनमोहक सीन है, और मैंने कोशिश की है कि इस व्यू को मैं अच्छे तरीके से कैप्चर कर पाऊँ। शायद आप भी इस सीन का, इस व्यू का ज़रूर आनंद उठाएंगे। इसी वीडियो के माध्यम से मैं अभी आपको एक यूनिक चीज़ दिखाऊंगा। अभी मैं आपको देवस्थित बाबा बालकनाथ जी के मंदिर के भी दर्शन करवाता हूं। वैसे बाई रोड लगभग 14 से 15 किलोमीटर का रन अप है इसका हमारे घर से, लेकिन यदि हम घर के आंगन में खड़े हों तो सामने पहाड़ी पर इनका मंदिर हमें साफ नज़र आता है। रात के समय में जब मंदिर की लाइट जलती हैं तो वो सीन काफ़ी मनमोहक हो जाता है। देवस्थित बाबा बालकनाथ जी हमारे ईस्ट हैं, और मैं अभी जूम करने की कोशिश करता हूं। हाँ, ये जो सामने आप एक पहाड़ी देख पा रहे हैं, जो ये ऊंची सी पहाड़ी है, इसी पर बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है। ये हम एक सिद्ध पीठ है, और लगभग नॉर्थ इंडिया के लोग काफ़ी इस मंदिर के प्रति अपनी श्रद्धा भाव रखते हैं। बाबा बालकनाथ जी की काफ़ी हद तक इन लोगों के मध्य मान्यता है, वे इन्हें मानते हैं, पूजते हैं। और इस वक्त आप ये केटी को देख पा रहे हैं, ये हमारा डॉग है जो एक उभरी हुई नस्ल का कुत्ता है। घर पर दोपहर का लंच करने के बाद मैं पुनः फिर अपने ही रिलेशन में, अपने गांव में किसी के पास गया। ये मेरी वाइफ के मौसा जी हैं, और वैसे मेरे ताया जी के लड़के हैं।
मेरी वाइफ और मतलब हमारी शादी की हमारी रिश्तेदारी जो थी वो इन्होंने ही करवाई थी। इनका भी जाकर मैंने सकुशल हालचाल पूछा। शहरों में जो हम लोग लाइफ जीते हैं और गांव की जो बेसिक लाइफ है उसके बीच में जो अंतर है उसके बारे में मैं आपसे कुछ और भी कहना चाहूँगा। इवन हमारे फ्रेंड सर्कल के कुछ ऐसे लोग हैं जो कोई अपना प्राइवेट बिजनेस या फिर एज पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी HP गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, HP गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, पर शायद वो लोग यहाँ सेटिस्फाई नहीं हैं। उनके साथ अक्सर डिस्कस करते हुए ये चीज़ें उनके द्वारा कही जाती हैं कि शहरों की लाइफ गांव देहात से काफ़ी अच्छी है, वहाँ पर आपको अच्छे सोर्सेज मिलते हैं, बच्चों के एजुकेशन का स्टैंडर्ड अच्छा है, पर यह सच्चाई नाकाफ़ी है। ये चीज़ सिर्फ उनकी सोच के मुताबिक है, जबकि हम शहरों में रह रहे हैं और हमें इस चीज़ का भली भांति आइडिया है कि यहाँ पर खर्चों का ग्राफ किस लेवल तक जा सकता है। इस वक्त आप हमारे गांव के एक पीपल का पेड़ देख पा रहे हैं, हम लोग इसी की पूजा करते हैं। पुरानी मान्यता है कि इसमें ब्रह्मा जी का वास है, इन्हें हम पहाड़िया भी बोलते हैं और हर 6 महीने में फसल भी इनको चढ़ाई जाती है। तो अपना घर पर काम निपटाने के बाद मैं पुनः फिर वापसी एक और रिलेशन में अपने इन लॉज की तरफ, मेरे ब्रदर इन लॉ ही मुझे पिकअप करने आ गए थे, कारण कि संडे वाले दिन मोस्टली गाड़ियां प्राइवेट बस सर्विस जो है वो ऑपरेटर बसेस बंद ही रखते हैं मेंटेनेंस करके, और शायद सवारी भी कम होती है। तो अब मैं घर से वापसी दिल्ली की तरफ निकलूँगा, लेकिन रात को स्टे मैं अपने इन लॉज के यहाँ करूँगा और कल मॉर्निंग में सुबह 5:30 बजे मैं चंडीगढ़ के लिए बस पिकअप करूँगा। रास्ते में जाते हुए हमें गडरिये भी मिले और ये व्यू मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये घुमंतू लोग हैं और मोस्टली जब ऊपर पहाड़ों में बर्फ़ गिरती है तो ये अपनी भेड़ बकरियाँ नीचे मैदानी इलाकों की तरफ ले आते हैं। अधिकतर ये लोग डिस्ट्रिक्ट चंबा पांगी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। वैसे गद्दी समाज भारत की एक पुरानी जाति है। गद्दी हिमालय के गडरियों को कहा जाता है। ये जाति अधिकतर उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पाई जाती है। गाड़ी से जाते हुए मुझे पीछे एक HRTC की बस आती हुई दिखाई दी। मैंने भी इसका वीडियो शूट करने की कोशिश की, कारण कि HRTC फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर HRTC के काफ़ी वीडियो वायरल हुए हैं। इसे हिमालय क्वीन और हिमाचल की लाइफलाइन के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं उम्मीद करूंगा आपने ये मेरा वीडियो ज़रूर पसंद किया होगा। कृपया आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी हिमाचल ट्रिप का मैं दूसरा पार्ट जल्दी ही अपने YouTube चैनल पर अपलोड करूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखें।